इनपुट्स ओवर आउटपुट्स इज इक्वल टू एफिशिएंसी, ये एक कॉमन फार्मूला है जिससे बॉयलर के ऑपरेटर, मैकेनिक, टेक्नीशियन और इंजीनियर बखूबी वाकिफ होते हैं। लेकिन ये इनपुट्स और आउटपुट्स होते क्या हैं, आज इस प्रेजेंटेशन में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। द परसेंटेज ऑफ द टोटल अब्जॉर्प्शन हीट वैल्यू ऑफ आउटलेट स्ट्रीम इज टोटल सप्लाई हीटिंग वैल्यू, ये एक कॉमन डेफिनेशन है जो हमें गूगल से मिल जाती है, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के बाद एफिशिएंसी निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉयलर की एफिशिएंसी किस तरह निकाली जाती है, उसके कितने तरीक़ेकार हैं। बॉयलर की एफिशिएंसी निकालने के दो तरीक़ाकार हैं जिनमें एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। पहले हम डायरेक्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड एक कॉमन तरीक़ाकार है जिसमें हम इनपुट्स और आउटपुट्स को इस्तेमाल करते हैं, और यही तरीक़ाकार आमतौर पर इंडस्ट्री प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है। और जो बॉयलर्स के पेपर हम देते हैं बोर्ड के अंदर, उनके ऊपर भी उसमें भी इसी तरीक़ाकार को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके जो हमें आउटपुट्स बॉयलर से मिलती हैं उसमें स्टीम का फ्लो होता है, स्टीम जो जनरेटेड स्टीम है उसका जो उसमें मौजूद हीट होती है। स्टीम का फ्लो जो बॉयलर है जिसकी जितनी कैपेसिटी है, 40 टन का बॉयलर है, 50 टन का उसकी जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी का वो हमें फ्लो मिल जाता है। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टीम की हीट होती है, वो स्टीम अब अगर 25 बार की है, 40 बार की है, वो स्टीम टेबल से हीट मिल जाएगी, उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दिए जाने वाले फीड वाटर को इससे हम निकाल देंगे। ये हमारे पास टोटल आउटपुट बॉयलर की आ जाएगी। उसके बाद जो बॉयलर को हम इनपुट देते हैं वो अंडरस्टूड चीज़ है कि दिया जाने वाला फ्यूल है, फ्यूल की जीसीवी और फ्यूल की जो क्वांटिटी है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आउटपुट टोटल है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसको स्क्रीन पे समझें तो जो ग्रीन कलर की हमारे ब्लॉक्स हैं उनमें से हम येलो कलर के ब्लॉक को माइनस करेंगे और ब्लू कलर के ब्लॉक्स को उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, और डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमारे बॉयलर की जो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी वो 88, 90 या 92 होगी। अब फ़र्ज़ करें कि बॉयलर की एफिशिएंसी हमारे पास 90% है, तो जो 10% हैं वो क्यों ज़ाया हो गए, चीज़ों पे ज़ाया हो गई। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड का सबसे इस्तेमाल करने का सबसे फ़ायदा, बेहतरीन फ़ायदा ये भी है कि उससे हमें लॉसेस का पता चल जाता है कि बॉयलर के अंदर टोटल लॉसेस कहाँ, किस जगह पे ज़्यादा लॉसेस हैं, किस जगह कम लॉसेस हैं, और उनके ऊपर वर्किंग करके बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाई भी जा सकती है। अभी हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास ये जो एक डायग्राम, चेन गेट बॉयलर की डायग्राम है, इसमें जो लॉसेस के ऊपर बॉयलर के ऊपर मेजर लॉसेस हैं उनमें एक लॉसेस सरफेस लॉस है, जो इसको हम रेडिएशन लॉस भी कहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की वजह से ये लॉस ज़्यादा होता है, एनवायरनमेंट टेम्परेचर की वजह से ये असरअंदाज होता है। नेक्स्ट लॉस जो है वो बॉटम ऐश का है, जैसे चेन गेट बॉयलर की ये पिक्चर है, चेन गेट बॉयलर में जो इसकी वेट ऐश कन्वेयर होती है उसके अंदर जो ऐश आ रही है उसका आप सैंपल करें और उसमें से आपको ये बॉटम ऐश में जो अनबर्न इसके अनबर्न पार्टिकल्स हैं उनकी मिकदार मिल जाएगी और उससे आप बॉटम ऐश लॉस को निकाल लेंगे। नेक्स्ट इससे हाइड्रोजन लॉस है, फ्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन जो है वो जब एवेपोरेट होती है तो अपने साथ हीट की मिकदार को ले जाती है, तो उस वजह से हाइड्रोजन लॉस की हम परसेंटेज भी इसमें से ऐड करेंगे। उसमें फिर फ्लाई ऐश लॉस है, जो फ्लाई ऐश आगे ट्रेवल करती है उसको उसका सैंपल किया जाता है, उसमें जो अनबर्न कार्बन की मिकदार होती है उससे फिर ऐश की मिकदार को निकाल लिया जाता है। उसे नेक्स्ट सीओ लॉस है, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड का की परसेंटेज होती है कम्बसन में और गैसों के अंदर, और उससे वो टोटल हमारी जो अनबर्न गैसेस हैं वो भी इस परसेंटेज में शामिल की जाती हैं। उसके बाद एयर में जो मॉइस्चर होता है उसको शामिल किया जाता है, और जो फ्यूल में मॉइस्चर होता है उसको शामिल किया जाता है, और एक ड्राई फ्लू गैस लॉस को भी इसमें शामिल किया जाता है। इन तमाम को टोटल करने के बाद 100 में से माइनस कर दिया जाता है
और उसके बाद जो हमारे पास परसेंटेज आती है वो इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए जो एफिशिएंसी होती है, बॉयलर की एफिशिएंसी है, वो हमारे सामने आ जाएगी। तो इन सब जो लॉस हैं इनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है या इनको तो इन जो लॉसेस हैं जैसे सरफेस लॉस है, बॉटम एश लॉस है, सीवर लॉस है, मॉइस्चरिंग एयर है, और ये सारे जो 7-8 तकरीबन लॉसेस हैं इनको अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए एक अलग मेथड है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि इस अगर मैं इसी वीडियो में ही कंटिन्यू करूँ तो ये वीडियो जो है वो 30 मिनट्स के करीब चली जाएगी, और इसको फिर अपलोड करना और या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर एक अलग इशू बन जाता है। तो